हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से ADMO असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल और रेलवे में कैसा होता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। ADMO जो है UPSC एग्जामिनेशन के थ्रू जो है इसमें आपका सिलेक्शन होता है, तब ADMO बनते हैं। पहला पोस्टिंग जो है एज ए ADMO रहेंगे, असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर। तो उसमें क्या है, जो रेलवे का जो सब डिवीज़न होता है उसमें आपका पोस्टिंग होगा। सब डिवीज़न वगैरह जो है, हर एक जो रेलवे का जो डिवीज़न होता है उसी में सब डिवीज़न भी रहता है। जैसे तो उसमें जैसे सब डिवीज़न एक मान सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट टाइप का जो होता है, लोकेशन सिटी या सब डिस्ट्रिक्ट टाइप, वहाँ पे आपका हेड क्वार्टर रहता है और वहाँ पे सब डिवीज़न हॉस्पिटल रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी जो रेलवे एम्प्लॉय होते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी या ग्रुप ए जो भी है, तो उन सभी लोगों का जो है, जो प्राइमरी जो एक्चुअली उसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो आपको देखना रहता है। और आपके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय वगैरह रहेंगे आपके बिलो, और मेडिकल हॉस्पिटल में जो भी एम्प्लॉय जैसे सिक वगैरह से संबंधित आता है या किसी कोई समस्या है तो वो आप ट्रीटमेंट करेंगे। और इसके अलावा जैसे उस लेवल का नहीं है, अगर आपसे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है तो उस केस में आप रेफ़र करेंगे जो डिविजनल मेडिकल हॉस्पिटल होता है वहाँ के लिए। तो ये सब सारा वर्किंग रहता है और बहुत ज़्यादा भी वर्कलोड वगैरह नहीं रहता है। जो भी सब डिवीज़न में जो स्टाफ होते हैं रेलवे एम्प्लॉय, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है आपको देखना रहता है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो जॉब अच्छा है और लाइफ स्टाइल वगैरह भी अच्छा रहता है। और इसके बाद जैसे ADMO के बाद जो है DMO बनेंगे, डिविजनल मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद जो है फिर सीनियर DMO, इस तरीके का पोस्ट रहता है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो सैलरी बहुत अच्छा है ही और लाइफ स्टाइल भी अच्छा रहेगा और जॉब अच्छा है मेरे मुताबिक। अगर आपको मौका मिलता है, सिलेक्शन होता है, तो ज़रूर आप ADMO में जो है एक्चुअली ज्वाइन करें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।